बढ़िया तैयारी किया बलदेव ने जलसे वास्ते। बलदेव ना बिना मतलब के कुछ नहीं करता, और करण ना उसके लिए बड्डे वाले खजाने की तिजोरी की चाबी है, इसलिए इतनी मस्केबाजी हो रही है। नौटंकी कहीं का। वीरा सुना वाला जिन सब में हम तेरे दोस्त की पार्टी चाहे ना, सबके साथ अच्छे से रहे। बलदेव ने हाल भी, और वैसे भी बलदेव ने हमें आगे बढ़ के न्योता दिया, शांत रहिए बलदेव के साथ। पर वीर जी मैं तो बलदेव के नाल हमेशा शांति रहती हूँ। ओए मिस्टर करण सिंह कांग्रेचुलेशंस यार। वीरा तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तू आएगी। हाय बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मुझे ना बलदेव ने इनवाइट किया है, कह रहा था अगर मैं नहीं आई ना तो ये पार्टी ही नहीं रखेगा। वैसे तो हो ही नहीं सकता ना। कितना स्वीट है ना बलदेव। स्वीट तो है यार। पता है बलदेव सीरियसली यार, इतना सब अरेंजमेंट करने की ना जरूरत नहीं थी तुझे। थैंक यू। अरे यार की बोल रहा है तू, और तू बलदेव दा यार है, बलदेव दा यार। पार्टी चार्टी की है और तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, है? और साडा पिंड कैसा लग रहा? ऑनेस्टली बहुत अच्छा, और लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बस उनकी सोच वो शहर वाली जैसी नहीं है। थोड़ा तो फर्क होता ही है ना शहर और पिंड में। लेकिन कोई नहीं, जब तक इतने पिंड की सोच का सम्मान करना। बिल्कुल। और यारा करण और सारी रात ऐसे ही गल्ला करेगा क्या? और बाकी मेहमानों से कब मिलेगा? आया आया चला जाएगा। पहले ना तू वहां जा, देखा नहीं कब से तेरा दोस्त इशारे कर रहा है, ध्यान ही नहीं है तेरा। अरे बलदेव पराजी इतने जा ना। ओए खरे बुज्जे तू होता कौन है मैनू रोकने वाला? बलदेव की छोटी बहन हूं मैं। चल जाने दे मैनू अंदर। तू देख आ गए मेरे वीर जी। तू ऐसे की कर रही है? कहा था ना मैं ना घर पे बैठ। आपका जलसा और मैं ना रहूं, ऐसा थोड़ी ना होता है वीर जी। अभी ऐसा ही है, पलट और घर जा वापस, समझी? ठंड पालो वीर जी, आप ही की छोटी बहन हो, आप जैसी तेज और समझदार, और पिंड में मेरा भी ठसका उतना ही है। और सरपंच के चुनाव के वक्त आप जो लोगों को बड़े बड़े आशाएं दोगे कि बलदेव सिंह ऐ करेगा, बलदेव सिंह वो करेगा, और अगर आज की बात से दुखी होकर मैंने अपना मुंह खोल दिता और आपके बारे में सारी बातें बोल दी तो सिर्फ मैनू पता है, तो आपका सरपंच बनना मुश्किल हो जाना है ना वीर जी? तो आप अपनी बहन का साथ चाहते हो ना चुनाव वास्ते, और अगर फिर भी आप नहीं चाहते हो तो मैं है। ठीक है आया अंदर, और सुन तमीज से रहना तू अंदर, चुपचाप एक कोने विच बैठी रहना, समझी? हाँ वीर जी। चल अंदर। खरबूजे देख के रहा है, चल बजा। ओए होए
तुम प्रदीप फटाका। सो तो हूँ ही। वैसे वीरा सच बता, मैं बचपन में ज्यादा सुंदर लगती थी या अब ज्यादा सुंदर लगती हूँ? ओहो कुंचन दीदी, आप ना बचपन में भी बहुत क्यूट थे और अभी भी बहुत क्यूट हो। बाय गॉड, जिससे भी आपकी शादी होगी ना, बड़ा नसीब वाला होगा वो। आलो जी खाओ। अच्छा ठो जी खाना। ना मैंने एक गल दसो, ए की पागलपन कर रहा है बलदीव? नवे साल का जलसा मना रहा है उठे ढाबे विच। और जी हमारी संस्कृति में ये सब नहीं होता है कि सड़क के किनारे पूरी रात नाच गाना होए। नलायक दा नलायक ही रहना तो दा पुत्र है। ओहो आप मत चुप करो जी, ये जलसा उसने करण के लिए रखा है और करण ना शहर से आया है और आपको पता है शहर में नए साल पे ऐसे ही जलसे होते हैं। और वैसे भी क्यों ना रखे, दोस्त है वो उसका। दोस्त है? चार दिन में दोस्त बन गया वो करण उसका। और मैंने चंगी तरह से पता है कि वो करण को खुश करने के लिए कर रहा है सब, अपना खुद का फायदा देख रहा है इसमें। तो मैं इसमें गलत क्या है? अगर बलदेव जिंदगी में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो आप क्यों हमेशा की तरह उसके रास्ते का रोड़ा बन रहे हो? ओ बंसरी जी, ये बलदेव सही रास्ते पे चल के कुछ करता ना, जरूर उसकी मदद करता मैं। लेकिन गलत रास्ते पे तो हरगिज उसकी कोई मदद नहीं करनी है मैंने। देखो सरपंच जी, आपको तो वैसे भी हर वो इंसान गलत लगता है जो अपने बारे में सोचे, और मेरा बलदेव ना कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। आपको पता है कितनी मुश्किल से उसने इस जलसे की तैयारी की है? कम से कम आज के दिन तो उसके किए धरे पे पानी मत फेरना आप। और वैसे भी आपका ये सच्चाई और अच्छाई वाला भाषण अपने पास रखो। वो बंसरी जी मैं दस रहा हूं, हले भी टाइम है। बरलो बाजी बरलो। चीयर्स बाजी। वाह बलदेव बाजी वाह, मैं क्या मजा ही आ गया। ये रोज रोज ना देसी शराब पी करके ना गाली चढ़नी बंद हो गई थी। अरे बाजी जो अंग्रेजी पी है ना, मेरे दोनों पारी पारी निकल आए हैं भाई। एकदम ना वो क्या बोलते हैं, वो एरोप्लेन जैसी भावनाएं जाग रही है उनमें। थोड़ी ना जाना करी बाजी, तुसी ये दसो कि इतनी महंगी शराब ले कहां से हो? बाजी खर्चा तो बहुत हुआ होगा ना। और दिमाग खराब है तुम सबका। और खरीदी हुई शराब का स्वाद इतना कभी आया है कि अपने शराब के ठेके से दो पेटी चुरा लाया था मैं। खूब पियो, अब बहुत है। ड्रिंक करन दे वास्ते आओ, उसे दे के आता हूँ। इसके बाद शाम और रंगीन हो जानी है। सही है बाजी, सही है। गुरगिरी है आंखों से भी काटती है कि जबरदस्ती की मेहमान बन के आई है ना तू? चुपचाप साइड में खड़ी रह, खा पी के निकल ले। और की पता अगली बार तेनू है सब मिले ना मिले। बलदेव अंग्रेजी शराब पी रहे तू? हाय तेरी औकात इतनी कब से बढ़ गई? मेरी औकात नहीं होगी पिनविस तो किसकी होगी, तू जैसी शहरी कबूतरी की जो यहाँ वहाँ चोच मारती रहती है। चला डबे। अच्छा गल तो दस, शराब ले किसके लिए जा रहा है? करण वास्ते है। ठीक है चला डब। करण को अंग्रेजी शराब पिला के इंप्रेस करना चाहता है तू? अरे इतना मक्खन ना लगा तू, किसी दिन ना इसी मक्खन के नाल फिसल जाना है तेनू। तू अभी यहाँ से नहीं हटेगी ना तो मैं तो जरूर गिरा दूंगा तेनू, समझी? ओए बलदेव, कहा था ना मैंने इतना मक्खन ना लगा फिसल जाएगा, देख फिसल गया।
जी ड्रिंक मिला। ओ भाई बोतल तो एकदम मुक गई, एकदम ठन ठन गोपाल। कोई नहीं कोई नहीं, अब गड्डी में और बोतलें पड़ी हैं, मैं खुद बना लूंगा। फोटो कौन खींच रहा है? और पहले बता देता और बाल बाल ठीक करके अच्छे से खड़ा हो जाता मैं। तो मेरी फोटो क्यों निकाल रही है? और घर जाके पप्पियां लेनी है क्या मेरे फोटो की? ओए फिट्टे मुंह, कुड़ियों से बात करने की तमीज नहीं है? अच्छा अच्छा, बकर फोटो तू खींच रही है और तमीज मैंने सिखा रही है? बलदेव तो छोड़, अब मेरी गल ना ध्यान से सुनना तू। मैं तेरी बैंड बजाने वाली हूँ। याद है ना बचपन में किसी बैंड बजाई थी मैंने तेरी, वो गिर गई, सिगरेट वाला इंसिडेंट तो याद ही होगा तेनू, प्रिंसिपल ने सस्पेंड ही कर दिया था। पर हाय तेरी गंदी आदत ना अभी तक नहीं गई, बुरी आदतों से दोस्ती कर रखी है तूने। बाय गॉड ओए बस कर ओए, मैं मर दूं मैं इस पिंड दा और जो जी मैं आए वो करूंगा। तू मास्टरनी बन के ना मैनू पाठ मत पढ़ा समझी? अच्छा चोरी ऊपर से ठसक, अब मतलब क्या तेरा है? कौन सी चोरी? मैंने कोई चोरी वो नहीं की समझी? नहीं की? ये देख बाजी, तुसी ये दसो कि इतनी महंगी शराब ले आए कहां से हो? बाजी खर्चा तो बहुत हुआ होगा ना। बोल तो, अगर तूने अब ये चोरी की शराब ना एक बूंद भी किसी और को पिलाई तो बाय गॉड ये फोटोज और वीडियोस ना सीधा तेरे पापा जी के सामने पेश कर दूंगी। फिर कभी उनके डंडे होंगे तो कभी तेरी टांगे, फिर कभी उनके डंडे होंगे तो कभी तेरा ही खाली सर, है ना? देख लिया ना तूने शहर वाली मास्टरनी से पाठ, या अपने पापा जी से सीखना चाहता है? मैनू धमका के गई ना तू वीरा, नन्नू मेरे पियो से पिटवाएगी। अब देख पूरे पिंड के सामने कैसे तेरी इज्जत की धजियां उड़वाता हूं मैं। अरे इतना रह गई थी ध्यान से वो वीर जी, एक्चुअली ना बहुत गंदगी हो गई थी तो मैं सफाई वास्ते गई हुई थी। बोलो आ गया यार, मुझे ना बहुत प्यास लगी, कुछ पीने के लिए है? हाँ भाई वो कोल्ड ड्रिंक है और तेरे पिलाता हूँ, आ जा भाई आ जा। हाँ हाँ बलदेव, अच्छे वाले ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक पिलाना इसे, कुछ अंडशंड ना पिला दियो। ठीक है ना? हाँ जी ओके जी, आ जा भाई आ जा आ जा। अरे यार पूछ मत, इस दलबीर नु ढाबे के काम से फुर्सत मिलेगा तो आएगा ना जल्दी। बताओ इसके ढाबे में पार्टी है और ये खुद ही नहीं है यहाँ पे। छोड़ना ये सब, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाना खा कर आता हूँ। हाँ जाके देख कितना बढ़िया खाना बनाता है तू ढाबे। हीरा जब भी तेन देखना ऐसा लगता है कोई शरारत करेगी, हुन करेगी यहाँ कोई शरारत ना करियो। नहीं नहीं वीर जी बिल्कुल नहीं, मैं तो सीधी साधी बच्ची बन के आई हूँ ना इतने। कॉल रिंग थे दे 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 दे।
मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाया नहीं था मैंने। तो ठीक है ना यार, अपना ही ढाबा है। अरे कुछ खा ही नहीं पाया मैं काम की वजह से। ओए दलबीरे, कुछ देखा कि नहीं? वो कुड़ी तुझे देख के कितनी हंसी जा रही है, क्या देख उससे बात कर। ओ यारा, वो मेनू नहीं, इस पंजाब दे पहले वो पेट को देख के हंस रही थी। तू ना एकदम पागल है, इतना अच्छा मौका गवा रहा है, इतनी शानदार कुड़ी तुझ पे नजर डाल रही है। नजर गंदी है उसकी, मेरे लिए तो तू ही ठीक है। तू हंस दे, मैं तेरे नाल ही चंगा हूं। तू दूर रहे मेरे से, समझा। अरे क्यों नहीं बस। अरे क्यों लेकिन। ओ भाइयों, ओ सुनो भाई, ओ ए रात मेरे यार चरण राम, इस रात में और रंगीन बनाने वास्ते एक वधिया मनोरंजन का आयोजन किया मैंने। मजा आ जा रहा है, जब एक खास कार्यक्रम तेरे वास्ते पेश करूंगा मैं। चलो शुरू हो। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।